नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक में मिलते हैं चाय के कप के साथ। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी यूट्रेन प्रोलैप्स के बारे में, इसके कॉजेज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे इसका प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कि अपन कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में हम कीगल्स एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज में आपको क्या करना होता है, अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको टाइट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है 10 सेकंड के लिए, फिर 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करके आप दिन में 3 रिपीटेशंस आपको करने होते हैं, दिन में 3 बार करना होता है, 10-10 के सेट में आपको ये एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती है उनमें अच्छी स्ट्रेंथनिंग रहती है, जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, जो मैंने जो भी आपको कॉजेस बताए थे, जैसे कि आप हैवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, वज़न वाला काम करते हैं, तो उन्हें कम करिए। तीसरा, जैसे जिस को क्रॉनिक कफ की शिकायत है, बहुत लंबी खांसी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट लीजिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबी कब्ज है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जब भी पेशेंट ओपीडी में आती है तो उसकी फर्स्ट कंप्लेंट होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आ रहा है। दूसरा, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं कि पेड़ों में वज़न रहता है, नीचे भारीपना लगता है, ये उसके पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं। तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है डायग्नोसिस करने के लिए, क्लिनिकल जजमेंट होता है। जब पेशेंट को सुलाएंगे और फिर हम उसको कहेंगे खांसी करने के लिए या नीचे जोर लगाने के लिए, कफ करने के लिए, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि यूट्रस कितना, किस लेवल तक बाहर आ चुका है वजाइना के। कई पेशेंट्स तो इतना, मतलब उनको देख के इतना ऐसा फील होता है कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा यूट्रस उनके बाहर पड़ा है, जो बच्चेदानी का मुंह है उसके ऊपर उनके छाला हो चुका है, जिसे अपन डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। बट पेशेंट इज़ सो शाई टू टेल अबाउट दिस प्रॉब्लम विच इज़ कॉम्प्लिकेटिंग हर डेली लाइफ। तो इट इज़ वेरी पिटी टू सी सच सिचुएशंस इन फीमेल्स। तो प्लीज़, मेरा सबसे बड़ा जो आप लोगों से आग्रह है वो ये है कि थोड़ा सा भी लगता है तो प्लीज़ अपनी तरफ ध्यान दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हुआ है, ये चीज़ पहले से शुरू हो चुकी है। मसल्स तो वीक हो ही चुकी हैं, लेकिन अपन ध्यान रख सकते हैं, अपन ख्याल रख सकते हैं कि ये ना हो। ये अपन मेजर्स तो ले ही सकते हैं, उनके लिए आपको प्लीज़ डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। किसी भी, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में राय ले सकते हैं, ठीक है। आजकल तो मैंने देखा है लेडीज़ काफ़ी जागरूक हैं अपनी हेल्थ को लेके, काफ़ी सही टाइम पे दिखाने आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी जो अपनी ओल्ड एज लेडीज़ हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगी, प्लीज़ दिखाइए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर दिखाओगे तो इलाज हो जाएगा, शर्म से इलाज कभी नहीं होता, बीमारी बढ़ती है। तो ये हमने डायग्नोसिस का तरीका बताया। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, इसका इलाज क्या होगा। तो इसका इलाज डिपेंड करता है ग्रेड्स ऑफ प्रोलैप्स पे, कि कौन सी ग्रेड का प्रोलैप्स है। जैसे कि ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और लास्ट होता है प्रोसीडेंशिया। प्रोसीडेंशिया में पूरा यूट्रस विद वजाइना आउट ऑफ वजाइना रहता है। तो जो अगर फर्स्ट ग्रेड है जिसमें ज़्यादा प्रोलैप्स नहीं है, उसमें आप जैसे कि मैंने बताया कि गर्ल्स एक्सरसाइज, प्रिवेंट कफिंग, प्रिवेंट स्ट्रेनिंग, जो कि प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स हैं, जिससे कि वो सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो, आपकी एज कम है तो आप वो सब कर सकते हैं। तो अगर जैसे यूट्रस पूरी तरीके से बाहर है, वजाइना के पूरी तरीके से बाहर है, ओल्ड एज लेडी है, तो इसका वन एंड द ओनली ऑप्शन इज़ सर्जरी, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और जैसे कई लेडीज़ पूछती है, मैडम कोई दवाई दे दीजिए या कोई ट्यूब ऐसी दे दीजिए जिससे ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई दवाई नहीं है दुनिया में जो कि आप ट्यूब लगाएं या जो कि आप गोली खाएं जिससे कि वो ऊपर की साइड चढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने बताया एज और डिग्री ऑफ प्रोलैप्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी यंग एज है, 20 to 30 years की एज है, 30 to 35 years की एज है, 38-40 तक की एज है, तो उसमें अगर आपको थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है या सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है, मतलब कि काफ़ी बाहर की तरफ प्रोलैप्स है, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आती है वजाइनल पेसरीज, जो कि रेडीमेड आती हैं, उनको आप फिट करवा सकते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो जैसे ही पेसरी आपके फिट कर देंगे तो वो यूट्रस ऊपर की साइड रहेगा, नीचे की साइड नहीं रहेगा, उनकी केयर मेंटेनेंस वो सब आपको आपके डॉक्टर समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है स्लिंग सर्जरीज होती हैं, एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी होती है, जिसमें क्या होता है कि हम या तो अपने स्किन अपने ही बॉडी का ग्राफ्ट लेते हैं, जैसे रेक्टस शीथ के मसल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मर्सलिन टेप आती है उसको यूज़ करते हैं। उससे अपन क्या करते हैं, यूट्रस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से अटैच करके अपने एब्डोमेन पे अटैच कर देते हैं, जिससे कि अपना एब्डोमेन यूट्रस को ऊपर खींच के रखता है। ये वाली सर्जरीज़ के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ईच एंड एवरी सर्जरी है, तो उसकी वो एक अलग चीज़ है। जो मैंने बताया कि जो ऑपरेट होगा जिसमें कि बच्चेदानी निकलेगी, जो कि ओल्ड एज में मैंने बताया है कि प्रोलैप्स है और ओल्ड एज है, तो उसमें वन एंड द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। इसमें आपका ऑपरेशन कैसे होता है, इसको अपन बोलते हैं वजाइनल हिस्टरेक्टॉमी, जिसमें बच्चेदानी शरीर से निकालते हैं, नीचे के शरीर से ऑपरेट करते हैं। इसमें आपके पेट के ऊपर कोई भी टांका नहीं आता, ये वन ऑफ द बेस्ट सर्जरीज होती है, पेट के ऊपर कोई सूचर नहीं, पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप बस जैसे ही आपको प्रॉब्लम लगती है अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करिए, उससे राय लीजिए, शर्माइए मत, इसमें शर्माने वाला कुछ भी नहीं है। कोई बीमारी कैसे भी बीमारी हो, शर्माना नहीं चाहिए आपको, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। धन्यवाद, बी हैप्पी, बी सेफ। मेरे ख्याल से काफ़ी आपको नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से। थैंक यू।